हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? दिस इज साइंस एडुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस माइंडनेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस फार्मूला के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मैग्निफिकेशन डिस्कस किया, मैग्निफिकेशन के फार्मूलाज देखे, अब आज हम लोग देखने वाले लेंस फार्मूला के बारे में। अब याद रखना है, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, ओके, लेंसेज के कोई भी क्वेश्चन आते हैं अगर आपको, तो ये दो बेसिक फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। दैट इज योर लेंस फार्मूला एंड सेकेंड इज आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आप बहुत ही इजीली जो है इसके न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज लेंस फार्मूला। अब ये लेंस फार्मूला क्या है एक्चुअली? इट्स अ रिलेशन, ओके, इट्स अ बेसिक रिलेशन बिटवीन थ्री ऑफ द पैरामीटर्स। फर्स्ट आपका फोकल लेंथ, पहला जो पैरामीटर है वो है फोकल लेंथ इन रिलेशन विद। फोकल लेंथ किसके रिलेशन में? यू और वी के। सर व्हाट इज यू एंड वी? यू इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, राइट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। एंड अगर मैं वी के बारे में बात करूं तो वी इज योर इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो ये दो चीजों के बीच में रिलेशन अगर हम लोग निकाल लें यू वी के बीच में, तो हम लोगों ने देखा था मैग्निफिकेशन मिलता है। एंड उसी हिसाब से आप लोग लेंस से अगर, तो सब कुछ एक फोकल लेंथ होगा। तो उन तीनों का रिलेशन अगर हम लोग देखा जाए तो उसे लेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो पहली चीज, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि लेंस फॉर्मूला एक्चुअली में है क्या। दिस इज वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला, ये आपका लेंस फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग बोले सर ये क्या है, दिस इज माय लेंस फॉर्मूला। सो सर इसका एप्लीकेशन क्या है? देखो जब भी आपके पास ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया हो, कोई एक लेंस टाइप ऑफ लेंस दिया गया हो, और उसके हिसाब से आपको इमेज कहां पे मिलेगा ये फाइंड आउट करना है, स्क्रीन कहां पे रखे सो दैट इमेज प्रॉपर मिले, तो आप उस फोकल लेंथ को देख के और उसके ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका इमेज कहां पे रखना चाहिए, राइट। तो पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा लेंस यूज कर रहे हो आप लोग, उसका फोकल लेंथ क्या है, एंड सेकेंड इज उसका ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे हो आप। इवन आप लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हो, आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, आपको पता है कि यहां पे ऑब्जेक्ट रखा और यहां पे इमेज बन रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग वहां पे भी वो वैल्यूज निकाल सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये तीनों में हम लोग कोई भी चीज, कोई भी एक फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास टू नोन हो, दो नोन फैक्टर्स अगर है, दो नोन पैरामीटर्स अगर हमारे पास है, तो हम कह सकते हैं कि उसके थर्ड एक अननोन को हम लोग ढूंढ सकते हैं, एक अननोन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो टू नोन पैरामीटर्स है तो मैं एक अननोन पैरामीटर को इससे निकाल सकता हूँ। तो ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये प्लीज नोट डाउन कर लो। अच्छा अब अगर हम लोग बात करें एक टाइप के न्यूमेरिकल के लिए, ओके, ऐसा, अच्छा इसके बाद वाला लेक्चर भी न्यूमेरिकल पे है बेस्ड, तो आप लोग देख सकते हो उसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फॉर एग्जांपल के लिए कि अ कॉन्केव लेंस। अब देखो कॉन्केव लेंस बोला है, याद रखना है आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के लिए। जब आप लोग कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के बारे में बात करो, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के बारे में बात करो एफ के बारे में, तो क्या होना चाहिए, क्या वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए? तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली आपने मिरर में भी देखा था, कॉन्वेक्स मिरर्स आर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अगर मैं कॉनकेव के बारे में बात करूं तो कॉनकेव लेंस, और सिमिलरली मिरर के लिए भी कॉनकेव मिरर में भी फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो प्लीज ये नोट कर लो आप लोग, इसे इवन मिरर्स के लिए भी इसे इंक्लूड कर सकते हो, ओके। अगर आपने मैग्निफिकेशन वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आई बटन पे मैं दे दूंगा, उसे प्लीज देख लो, सो डेट आपका ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है अ कॉनकेव लेंस इज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंस होने की वजह से इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो हम लोग गिवन में लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो पहला जो पार्ट दिया है दैट इज फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 के आगे मैं एक माइनस लगा देता हूं, आई जस्ट अप्लाई वन माइनस। अब ये माइनस क्यों लगाया है? कॉस कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया गया है, लेट्स सी। 20 सेंटीमीटर है, ओके। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज दिए गए हैं हम लोग उसे नोट डाउन कर लेते हैं। अब फाइंड आउट क्या करना है, तो पहले अब एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी प्लेस्ड, ओके, नहीं सॉरी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्या है, एज वेल एज ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म।
इमेज का हाइट फाइंड आउट करना है। तो ये दो फैक्टर्स को हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर आप लोगों ने मिरर वाला लेक्चर मेरा देखा है तो उसमें आपने ये चीज देखी होगी कि ये चीज मैंने कैसे फाइंड आउट करता है, ये मैंने सिखाई थी उस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा, नो इश्यूज, एक बार देख लेना तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। बिकॉज सेम सेम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिर्फ मिरर और लेंस में आपको चेंजेस करना पड़ता है, दैट्स इट। चलिए विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। अब देखो मुझे ना, मेरे पास एफ है, ओके, मेरे पास एफ गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, एज वेल एज जो वी है वो गिवन है। तो क्या इससे मैं यू निकाल सकता हूं? यस, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला? बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया? लेंस फॉर्मूला यूज किया। चलो लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अगर आप लोग इसे रीअरेंज कर दो, आपको यू निकालना है, तो 1 अपॉन यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन एफ, सॉरी 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ। विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ओके, विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब इसमें देखो कॉनकेव लेंस है, पहली बात कॉनकेव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा। एट वॉट डिस्टेंस शुड बी लेंस प्लेस्ड, ये सब वैल्यूज दिया हुआ है, लेकिन क्या बोला है, इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब जब भी याद रखना कॉनकेव लेंस के बारे में, तो इसमें डाइवर्जिंग होता है, तो इमेज कहाँ पे बनता है? लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है, तो हम इसे भी नेगेटिव लेंगे, ओके? तो वैल्यूज हम लोग एकदम प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। अब देखो वी कितना है, लेट्स सी, वी हम लोग ने माइनस 15 लिया, तो 1 अपॉन माइनस 15 माइनस 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन माइनस 20 माइनस 20। अब इसे भी आप लोग क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, राइट? हम इसे ओके कर दिया डिवाइड। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इसमें मैं वैल्यूज को लिखता हूं, 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस है तो 1 अपॉन माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 20। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो। मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू ये हो जाए 20 माइनस 15 अपॉन, अब देखो 20 इंटू 15 हो जाएगा, राइट? तो दिस विल बी 300, बट ये नेगेटिव में होगा। तो 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 300। तो यू जो मिलेगा मुझे, क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस विल बी माइनस 300 अपॉन 5। तो यू विल बी, यू विल बी, अब देखो 5 के टेबल में आपको देखना है 30 का भी आता है, राइट? ये फिर 300 का भी आता है, तो 5 60 जा और ये माइनस में होगा सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया बच्चों, ये हम लोग ने वैल्यू निकाल दिया है, दैट इज फॉर योर यू, आपने यू फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द मिरर, ओके, फ्रॉम द लेंस, दैट इज 60 सेंटीमीटर, ओके, और नेगेटिव क्यों, बिकॉज वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो दिस इज अगेन डन, हमारा पहला पार्ट कवर हो गया, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था वो हमारा पहला पार्ट कवर हो गया, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अब इसमें एक और दिया है कि ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड आउट करना है। क्या मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि आपने अगर मैग्निफिकेशन का लेक्चर देखा है तो आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ओके, आप निकाल सकते हो आपका एच आई, है ना? बिकॉज आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपका एच आई अपॉन एच ओ होता है, जिसमें से एच ओ दिया हुआ है आपको यहाँ पे, इज इक्वल्स टू वी बाय यू होता है। दिस इज द फॉर्मूला। आई जस्ट एक्सपेक्ट कि बच्चों आप लोग इसे देख के जो है मैग्निफिकेशन इसका निकाल दो और आपको आंसर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो इसका जो पार्ट है, दैट इज योर एच आई वाला पार्ट, एच आई का वैल्यू जो है आपको होमवर्क है, तो होमवर्क में आप लोग ट्राई कर सकते हो एच आई की वैल्यू कितनी है, या फिर आप कमेंट में आंसर लिख सकते हो कि एच आई की वैल्यू कितनी आ रही है आपको। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, ये आप लोग मैग्निफिकेशन के लेक्चर वाले फॉर्मूलाज को यूज करके बना सकते हो। सो आई थिंक आज जो हम लोगों ने कवर किया है, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला, वो आप लोगों को समझाओ, उसके नोट्स बना लो बच्चों, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।